क्लास फोर का हिंदी चैप्टर टू, जिसका नाम है श्रवण कुमार। उस श्रवण कुमार के जीवनी कथा का एक छोटा सा अध्याय यहां पर मैं आलोचना कर रहा हूं। तो श्रवण कुमार, बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता की अकेली संतान था, यानी कि उनका कोई दूसरा भाई और बहन नहीं थे, वो अकेला ही थे। अब दुख की बात देखो, उनके जो माता पिता थे वो जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जो जन्म से या पैदा होते ही अंधे होते हैं। तो वे दोनों, उनके माताजी और पिताजी, दोनों ही जन्म से अंधे थे, जिसे हम क्या कहते हैं, जन्मांध। तो इसलिए श्रवण कुमार उनकी बहुत सेवा किया करते थे। अंधे लोगों को तो चलना फिरना हर काम के लिए एक इंसान की सहारा अवश्य जरूरत होती है, तो उनके लिए उनका सहारा उनका बेटे श्रवण कुमार थे, जिसके कारण श्रवण कुमार को कड़ी से कड़ी मेहनत करने पड़ते थे और वो भी खुशी खुशी अपने माता पिता की सेवा क्या करते थे। वे जो कुछ चाहते थे, श्रवण कुमार के माता पिता जो भी चाहते थे, श्रवण कुमार उसे अवश्य पूरा करते थे। और अब एक इच्छा, तो एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, क्या कहा कि बेटा, तुमने हमारी बड़ी सेवा की, तुमने हमारी बड़ी सेवा की। किसने कहा? श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, तुमने हमारा बड़ी सेवा की है, बहुत सुख दिया है, अब एक इच्छा और पूरी कर दो, अब एक इच्छा पूरी कर दो। वो इच्छा क्या है कि हमें तीर्थ का सैर करा। हमारे देश में ऐसे कई प्रकार के तीर्थ हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जैसे कालीघाट हो, जैसे जैसे जगन्नाथ धाम हो, ऐसे कई प्रकार के तीर्थ हैं के जगह हो, जहाँ हर इंसान अपने मन की सुकून के लिए जाते हैं, भगवान दर्शन करते हैं और मन के सुकून मिलने के बाद, अपने आत्मा को तृप्त होने के बाद वो फिर लौटते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता की इच्छा थी कि उन्हें तीर्थ करें। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को भला कैसे टाल सकता है? तो इन दिनों सवारियां सबके पास नहीं होती थी। सवारियां जो गाड़ी वाला, आजकल जो हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल में जाते हैं, कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या हवाई जहाज से जाते हैं, उस वक्त ऐसा सुविधाएं नहीं थी, है ना। और उस समय जो था रथ, जैसे घोड़े की सवारी, जैसे बैलगाड़ी, है ना, वैसे सवारी थे। तो इनके पास तो ना घोड़े थे ना रथ थे, ये तो बहुत गरीब थे, तो सवारी नहीं थी। तो लोग अगर कहीं भी जाते थे
तो पैदल ही जाते थे। सोचो कितना कष्ट करना पड़ता था उस वक्त आते जाते, अगर कहीं जाना हो कहीं घूमना हो तो लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था। तो श्रवण कुमार ने माता पिता को ले जाने के लिए क्या बनाई, एक कावर बनाई। कावर क्या है आप लोग देखे होंगे, हमारे यहाँ के लोग जो श्रावण महीने में, श्रावण के जो महीने होते हैं उस महीने में बोलबम जाते हैं, उनके कांधे में एक बांस का लकड़ी लंबा सा होते हैं और दोनों साइड दो मटका झूला हुआ होता है जिसमें पानी भर के भगवान के सिर पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, उसे हम कावर कहते हैं। तो मटके में तो नहीं जाएंगे, इसीलिए श्रवण कुमार ने क्या किया, वो जो कावर यानी कि बहंगी जिसे हम बहंगी कहते हैं, वो बहंगी में दो साइड में एक आगे एक पीछे बड़े बड़े छीके लगाए, रस्सी से छीके को बांधा और अगले दिन श्रवण कुमार कावर में माता पिता को बिठाकर उस छीके में, है ना, अपने माता पिता को बिठाकर क्या किए ना, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े पैदल, कंधे में अपने माता पिता को लेकर पैदल ही तीर्थ को सैर कराने के लिए निकल पड़े। कंधे पर माता पिता को कावर को उठाए श्रवण कुमार क्या करते थे, सुबह चलता था और शाम को विश्राम करता था। कठिन परिश्रम के बाद विश्राम करना जरूरी है, क्योंकि जब आप कठिन परिश्रम या कठोर परिश्रम करते हैं तो आपको शरीर में थकान आ जाता है, उस थकान को मिटाने के लिए आपको विश्राम लेना जरूरी है, आवश्यक है ना। तो दिन भर चलते थे कावड़ को कंधे में लेकर, तो दिन भर जब चलते थे थकान तो होते थे, कष्ट भी महसूस करते थे, पर माता पिता की इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करना भी आवश्यक है, इसलिए दिन भर चलते थे और शाम को विश्राम लेते थे अपने थकान को मिटाने के लिए, है ना। तो जंगल पहाड़ नदियां नाले सभी कुछ पार करता हुआ वो एक से दूसरे तीर्थ की यात्रा कराता रहा। रास्ते वैसे तो अभी के जो जितना अभी जो पक्का सड़क है ऐसे तो रास्ते नहीं थे, जंगल के अंदर से जाना पड़ता था, बीच बीच में नदियां आते थे उसे भी पार करना पड़ता था, बीच बीच में छोटे मोटे झरने आते थे, छोटे मोटे पहाड़ आते थे, घने जंगल आते थे, सबको पार करना पड़ता था। ऐसे ऐसे करके श्रवण कुमार ने क्या किया, अपने माता पिता को तीर्थ कराता रहा। और जंगल से वो कुछ फल लेता था उन्हें ही खाकर वे लोग क्या करते थे, अपने पेट भर लेते थे। उस वक्त तो रास्ते में दुकान वगैरह ऐसा नहीं थे सुविधा, तो जंगल के फल को अपने आहार बनाते थे, खाते थे बड़े प्यार से। तो तीर्थ यात्रा करते करते श्रवण कुमार अयोध्या नगरी के पास पहुंचा। बच्चे हम लोग सब जानते हैं अयोध्या नगरी किनके पास है, जहां श्री राम रहते थे, है ना। तो वही अयोध्या नगरी जो राम का निवास है ना। तो अयोध्या नगरी के पास पहुंचा, इधर शाम भी हो रही थी, अयोध्या नगरी थोड़ी सी दूरी थी कि सोचा आज यही विश्राम करूं।
और थोड़ा दूर में अयोध्या नगरी था। तो अयोध्या नगरी से पहले एक जगह में वो लोग अपने आप सोचे कि यहीं पे विश्राम, कल सुबह होते ही अयोध्या नगरी चल। उसने कांवर रख दी तो माता पिता ने कहा, बेटा प्यास नगरी, कहीं पानी मिले तो थोड़ा ले आओ, कहीं अगर पानी लिए पानी मिले तो हमारे लिए थोड़ा पानी लेके आओ, हमें बहुत प्यास लगी। तो श्रवण कुमार ने घड़ा, घड़ा मतलब छोटा सा मटका, इस जमाने के जैसे फ्लास्क चाहे बोतले वैसे सुविधा तो नहीं थे, तो मिट्टी का जो छोटा छोटा मटका होते थे वही साथ में लिया ले जाया करते थे कहीं भी जाने से। तो उस मटका या घोड़ा उठाया और माता पिता के लिए पानी लेने चल गए। उस समय अयोध्या के राजा कौन थे, राजा दशरथ, जो श्री राम के पिता थे। तो दशरथ अकेले ही जंगल में शिकार खेल रहे थे, राजाओं का बड़ा शौक था शिकार खेलना, शिकार करना, उन्हें पकड़ना, घर ले जाना, ऐसे कई तरह की शौक थे। तो राजा दशरथ क्या करे थे, उस समय अकेले में जंगल में शिकार खेल रहे थे और श्रवण कुमार नदी किनारे पहुंचा और पानी में घड़ा या मटका को डुबाया। जब उस घोड़ा घड़ा या मटका डुबाने लगा तो घड़ा डुबाते समय बुड़बुड़ की आवाज हुई। अब जब भी कोई खाली चीजें पानी में डुबाओगे तो ये आवाज अवश्य आएगा, बुड़बुड़ करके आवाज आएगी। वैसे ही आवाज श्रवण कुमार जब घड़ा पानी में डुबा रहे थे या मटका डुबा रहे थे वही आवाज बुड़बुड़ के आ गई। तो राजा दशरथ पास ही जंगल में था, तो राजा दशरथ ने आवाज सुनकर सोचा कि अवश्य कोई जानवर है, अवश्य कोई जानवर है जो कि पानी पी रहा है। तो उन्होंने उधर से ही क्या किया, तीर छोड़ दिया, तीर बाण, धनुष से बाण छोड़ दिया, तीर छोड़ दिया, कहा जिस तरह वो आवाज आ रहा था। तो वो तीर श्रवण कुमार के सीने में जाके लगा। श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे, जब पानी भर रहे थे बुड़बुड़ से आवाज आ रहा था, बुड़बुड़ के आवाज से दशरथ ने या राजा दशरथ ने सोचे कि शायद कोई जानवर पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनदेखे ही उस जिस तरह की वो शब्द या आवाज निकल रही थी उसी की दिशा में तीर छोड़ दी, बाण छोड़ दी, और वो बाण जाके कहां पर लगा, श्रवण कुमार के छाती में लगा। जब छाती में लगा तो श्रवण कुमार चीख कर गिर पड़े। मनुष्य की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़कर आए तो देखे कौन, श्रवण कुमार जो बिलबिला रहे छटपटा रहे तीर से। तो श्रवण कुमार के पास जब पहुंचे, श्रवण कुमार ने कहा, आपने मुझे गरीब पर हत्या क्यों की, मैं तो गरीब इंसान हूं, मेरे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए मैं ले जा रहा था, कई जगह हम तीर्थ कर चुके हैं, सुबह होते ही अयोध्या में जाने वाले थे, तो आपने मुझ गरीब को हत्या क्यों की।
मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के निकला हूं, उन्हें प्यास लगी है इसलिए मैं पानी लेने आया था। तो आप पानी का घड़ा ले जाए और उन्हें पानी पिला दे। ये पानी का घड़ा लेकर या मटका लेकर मेरे माता पिता के पास जाइए और उन्हें थोड़ा पानी पिला दीजिए, फिर उन्हें मेरी मूर्ति की समाचार दे। पानी पीने के बाद मेरे माता पिता से मेरे मूर्ति की समाचार भी दे दे। और इतना कहकर श्रवण कुमार ने क्या किया, अपना दम तोड़ दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो दशरथ ने क्या किया, गलती तो कर दिया, तो दुखी मन से राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार के माता पिता जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे वही पहुंचे और बड़ी मुश्किल से, कौन कह सकता है कि मैंने आपको आपका बेटे को तीर से मार दिया, ये तो कहने की साहस किसी पे नहीं आता, नहीं होगा। फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हाथों हुई श्रवण कुमार की हत्या की बात उनसे कही। तो बूढ़े अंधे माता पिता दुखी होकर बिलख उठे, रोने लगे, छाती पीट पीट कर रोने लगे, बिलख उठे, रोने छटपटने के अलावा वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास तो और कोई सहारा नहीं था, एक ही सहारा था, एक लौता संतान श्रवण कुमार ही था जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण वो बिलख रहे थे, छटपटा रहे थे। तो दुखी होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने बेटे के दुख में तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र के बिछो में तड़पोगे। ये अभिशाप दिए थे श्रवण कुमार के माता पिता ने किने राजा दशरथ को। और बच्चे आप लोग को रामायण देखे होंगे, जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तब ना रामचंद्र थे, ना लक्ष्मण थे, ना भरत थे, ना शत्रुघ्न थे, कोई भी घर पे नहीं थे। राम लक्ष्मण वे वन में गए हुए थे और भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए हुए। तो उस अभिशाप के कारण राजा दशरथ के मृत्यु के समय उनके पास कोई भी बेटे नहीं थे। तो ये कहकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ये है श्रवण कुमार और ये है उनकी महिमा या गाथा है जो आज भी लोगों के दिल में, लोगों के मन में श्रवण कुमार के बाद आती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो श्रवण कुमार, इसकी जो प्रश्नोत्तर है अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, तो पहला नंबर का पहला प्रश्न, श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में बिठाकर क्यों ले जा रहा था, है ना? श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में बिठाकर क्यों ले जा रहा था, यह था पहला प्रश्न। इसका उत्तर जो है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को
बहंगी में बिठाकर तीर्थ कराने ले जा रहा था या तीर्थ की शेर कराने ले जा रहा था। वह श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बिठाकर तीर्थ कराने ले जा रहा था। दूसरी क्वेश्चन ख नंबर, श्रवण कुमार के मृत्यु किस प्रकार हो गई? श्रवण कुमार की मृत्यु किस प्रकार हो गई? देखो, श्रवण कुमार की मृत्यु किस प्रकार हो गई? उत्तर है, राजा दशरथ के, या इस प्रकार भी देखो, श्रवण कुमार की मृत्यु अयोध्या के राजा दशरथ के बाण लगने पर होगी। श्रवण कुमार की मृत्यु अयोध्या के राजा दशरथ के बाण लगने पर होगी। क्वेश्चन नंबर ग का जो प्रश्न है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था? पता है आपको, फिर भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था? राजा दशरथ ने, उत्तर है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जानवर समझकर बाण मारा। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जानवर समझकर बाण मारा। प्रश्न घ, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या कहा था? श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या कहा था? इसका उत्तर है, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को यह कहा था कि जिस प्रकार हम अपने बेटे के दुख में तड़प कर प्राण दे रहे हैं, जिस प्रकार हम अपने बेटे के दुख में तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के बिछों में तड़पोगे। ओके, प्रश्न दो, क्वेश्चन नंबर टू, श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? श्रवण कुमार के नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? इसका उत्तर है, श्रवण कुमार के नाम आज भी आदर से लिया जाता है क्योंकि श्रवण कुमार ने जिस प्रकार अपने माता पिता का सेवा की, शायद किसी ने नहीं किया होगा। समझे, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का जिस प्रकार सेवा की, शायद किसी ने नहीं किया। प्रश्न नंबर तीन, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसका संबंध अयोध्या के साथ जुड़ा है और जिसकी आज भी पूजा की जाती है, उनके पिता और भाइयों के नाम भी लिखो। उत्तर है, तीन का उत्तर है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम श्री राम है जिसका संबंध अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी आज भी पूजा
की जाती है। उनका पिता राजा दशरथ थे और भाइयों के नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। समझे? तीन का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम श्री राम है जिसका संबंध अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है और आज भी पूजा की जाती है। उनके पिता राजा दशरथ थे और भाइयों का नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। या प्रश्न नंबर चार, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाओ। निम्नलिखित एक छोटा छोटा सा शब्द दिया गया है, उन शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाना है। ऐसे तो अगर शब्द सही है हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं पहला शब्द संतान। संतान से क्या वाक्य बनाते हैं? ना, श्रवण कुमार अपने माता पिता का अकेला संतान था। दूसरा तीर्थ। तीर्थ केदारनाथ एक तीर्थ स्थान है। तीसरा विश्राम। विश्राम को लेकर क्या वाक्य बनाए? कठिन परिश्रम के बाद विश्राम लेना जरूरी है। चौथा समाचार। समाचार से क्या वाक्य बने? मैं हर रोज टीवी पर समाचार देखता हूं। मैं हर रोज टीवी पर समाचार देखता हूं। और पांचवी दुखी। दुखी लोगों को हमेशा दया करना चाहिए। दुखी लोगों को हमेशा दया करना चाहिए या सेवा करना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। प्रश्न नंबर पांच या क्वेश्चन नंबर फाइव, नीचे दी गई वस्तुओं का संबंध किन किन से है? जैसे कि पहला एक दी गई है, तीर का संबंध धनुष से। धनुष से हमेशा तीर चलाया जाता है, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है, इसलिए तीर का हमेशा संबंध धनुष से है या धनुष का तीर से। वैसे गोली, बंदूक, बंदूक गोली का संबंध बंदूक से है। जो बंदूक चलाया जाता है उस बंदूक में गोली डाल के चलाया जाता है, तो गोली बंदूक। भाला, युद्ध के समय देखते होंगे आप लोग, लंबे लंबे जैसे एक अस्त्र होता है, उसके आगे तीर जैसा लगा होता है, उसे भाला कहते हैं। तो भाला का संबंध ढाल, बड़े से थैला जैसा ऐसे पकड़ के लेते हैं, तो भाला का संबंध ढाल। वैसे बारूद का गोला, इसका संबंध किससे है? तो बारूद का गोला, तो तलवार, तलवार का भी संबंध ढाल से है ना। तो पांच नंबर में फिर से बोल रहा हूं, देखो किसके किसके साथ संबंध है? तीर धनुष, गोली बंदूक, भाला ढाल, बंदूक का गोला, तो तलवार ढाल।